आज हमने अपने किचन में बनाए हैं बेकरी स्टाइल चिकन रोल, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आप बेकरी के चिकन रोल को भूल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे बेकरी स्टाइल का मतलब क्या, क्योंकि जो मसाले मैंने लिए हैं ये बेकरी वाले बिल्कुल यही मसाले डालते हैं, चिकन रोल हो या चिकन पैटिस हो, कुछ भी हो। Assalamualaikum, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन बन रहा है हायर पिट्ज़ेंस बेकरी स्टाइल चिकन रोल। जो इसकी फिलिंग है ना वो बिल्कुल बेकरी जैसी होगी, मतलब आप बेकरी में जाके लेते हैं ना चिकन रोल हमें चाहिए, उनकी जो स्टफिंग होती है वो सेम वैसी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। ऑयल लेंगे हम 1 टेबल स्पून, ऑयल की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। ईस्ट लेंगे हम यहाँ पे 1 टीस्पून, चीनी लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध लेंगे। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो चलिए अब इसको हम गूंद लेंगे। तो सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे मिल्क पाउडर, ईस्ट, नमक, चीनी, अब इन चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स मैदे के साथ और सेंटर में हम जगह बना लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे और साइड पे कर देंगे मैदे को। और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और ये थोड़ा सा दूध, बाकी का बाद में डालेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और डो को गूंद लेंगे। तो ये देखिए अब इसको हमने अच्छे से 5 मिनट तक गूंद लेना है, इतनी अच्छी तरह से गूंदना है कि ये चिपकना बंद हो जाए, ये जैसे हाथ पे चिपक रहा है ना ये बंद हो जाए। तो ये देखिए डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है, ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हाथ में। इस तरह की डो होनी चाहिए आपकी, अगर ज्यादा पतली होगी ना तो जल्दी राइज हो जाती है, अगर ज्यादा सख्त होगी तो उसको भी राइज होने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए सॉफ्ट ये। अब इसको हम रख देंगे कवर करके। तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं। तो इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे 1 या 2 घंटे के लिए। तो बेकरी स्टाइल स्टफिंग रेडी करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन लिया है शेडेड किया हुआ, बॉयल किया हुआ 2 कप भर के, 2 लार्ज साइज के प्याज लिए जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया, हरी मिर्चें ली है मैंने 6 अदद बड़ी वाली, इनका मैंने पेस्ट बना लिया, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे हस्बे जायका मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है, जीरा पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, दूध लेंगे हम यहाँ पे 1 कप और ऑयल लेंगे हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें बेकरी स्टाइल स्टफिंग रेडी करने के लिए। आप सोच रहे होंगे बेकरी स्टाइल का मतलब क्या, क्योंकि जो मसाले मैंने लिए हैं ये बेकरी वाले बिल्कुल यही मसाले डालते हैं, चिकन रोल हो या चिकन पैटिस हो, कुछ भी हो। वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो ये देखें हरी मिर्च का पेस्ट है ये वाला उन्होंने डाला होता है, और उनके जो प्याज होते हैं जितना उनके चिकन होते हैं ना उतने ही उनके प्याज होते हैं, ये नहीं कि प्याज आपने कम डालने हैं। तो मैं यहाँ पे दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेकरी वाले पानी नहीं दूध ही डालते हैं उसमें। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याजों को हमने हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं करना, ठीक है, मतलब जैसे हम इनको सॉफ्ट करेंगे, ठीक है, इनका जो अकड़ापन है उनको दूर करके हमने इनको सॉफ्ट करना है, ऐसे करना है। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याजों के साथ ही। अदरक लहसुन की स्मेल दूर हो जाए। अब फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम कर दिया, पहले हाई थी, और अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर,
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक मिक्स करेंगे। और इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर और जाएगा काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा स्पाइसी है इसलिए मिर्चें डाल रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो मिर्चें कम भी डाल सकते हैं। और अब जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें जाएगा चिकन श्रेडेड किया हुआ, बॉयल किया हुआ। थोड़ा सा हम इसमें ये जो हरी मिर्च का पेस्ट लगा हुआ था इसमें दूध डालेंगे और इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। चलें ये हो गया। और ये कॉर्नफ्लावर हम डाल देंगे दूध में और ये हम इसमें डाल देंगे। चलें सारा हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम आराम से पका लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और आराम से इसको हमने पकाना है। तो ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। चलें तो ये देखें स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो मैं आज बेकरी स्टाइल रोल बना रही हूँ ना, आपने यही स्टफिंग बनानी है। अगर आप ये स्टफिंग बना के रोल बनाएंगे ना तो आपके जो घर वाले होंगे ना वो बेकरी को भूल जाएंगे, वो कहेंगे घर में ही रोल बनाओ और हम घर में ही खाया करेंगे, बेकरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए डो हमारी राइस हो चुकी है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, इसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमने बड़ा सा बेल लेना है, एक रोटी जैसे बड़ी सी होती है ना उस तरह, जैसे हम पिज़्ज़ा डो को बेलते हैं उस तरह हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। गोल नहीं होगी, वो चौरस होगी, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी सी रोटी हमने बेल ली। अब हमने जो स्टफिंग रेडी की हुई है ना, तो मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह रखना है। इस किनारे पे हम स्टफिंग करेंगे, स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा कर लें, फिर उसके बाद इसमें स्टफ करें, ठीक है। अगर गरम गरम आप डाल देंगे ना डो में तो डो हमारी फट जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है इस तरह, इसको अंदर ले जाना है और इस तरह रोल कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने दो स्टेप किए हैं, एक बार इसको रोल किया अंदर डालने के लिए चिकन को, मतलब बिल्कुल स्टफ सही हो जाए, उसके बाद फिर से किया, उसके बाद फिर से किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। चलें और अब हमने इसको बिल्कुल इस तरह कर देना है। ये हमने एक बना लिया, इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे सेम इसी तरह। तो हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है, फिर से रोल करना है, चलें और फिर से इसको काट लेना है। अब हमने एक ही साइज में इसको काट लेना है। चलें ये हम काटते जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली हुई है और इस पर हम रखते जाएंगे। चलें और इसी तरह हम बाकी के भी रखते जाएंगे। ये देखिए सारे रोल हमने बना के रख दिए। अब इसको हम फिर से राइज होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर अंडा ब्रश कर देंगे।
तो अंडा ब्रश हमने कर लिया, अब इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए। और अवन को हमने प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए, तो अब इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। अवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, तो अब इसको अवन में रख देंगे, इसको हम बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी हाइड के इस बिल्ट इन अवन के बारे में। हाइड का ये बिल्ट इन अवन एक प्रोफेशनल बेकिंग के लिए बनाया गया है और इसमें बनने वाली बेकिंग की हर चीज बेकरी जैसा जायका देती है। जैसे कि हमारे जो बेकरी स्टाइल रोल बन रहे हैं और वो कितने जबरदस्त बनेंगे वो आप देखेंगे। तो रोल हमारे बेक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो अब इनके ऊपर हम चैटर चीज डालेंगे गरम गरम पे, पतले पतले से स्लाइस कर लिए थे। अब एक शिमला मिर्च रखेंगे और एक टमाटर, इससे ये ज़रा खूबसूरत भी लगेंगे टमाटर और शिमला मिर्च लगाने से। चलें अब इनको हमने सिर्फ ग्रिल करना है सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, बस बस हल्का सा करना और निकाल लेना है। जैसे ही चीज़ मेल्ट होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। चीज़ मेल्ट हो चुके हैं तो हम रोल्स को निकाल लेंगे। तो तैयार है, अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हाई प्रेजेंट्स बेकरी स्टाइल चिकन रोल। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप अपने घर में इसे जरूर ट्राई करेंगे। स्पेशली आप बच्चों को बना के दें, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये हाई प्रेजेंट्स बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचनी दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।